इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कुछ फॉर्मूला देखेंगे जिसे हम श्री धाराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम यदि कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और यहाँ सी कोई कॉन्स्ट कोई अचर संख्या है। तो यहां हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू बी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर जहां बी एक्स का गुणांक है माइनस फोर और ए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये सी है तो सी, अर्थात डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ हम डी को विभिदकर कहते हैं, विभिदकर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, यहां हम डी को विवेचक कहते हैं या फिर विविधकर कहते हैं। यदि डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, यदि डी का मान जीरो से छोटा हो जाए तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और यदि डी का मान जीरो के बराबर हो जाता है तब इसका मतलब है कि मूल वास्तविक और समान होगा। यदि डी का मान जीरो से छोटा हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यदि डी का मान जीरो के बराबर हो जाए इसका मतलब है कि मूल वास्तविक और समान होगा। अच्छा, जब डी का मान हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तब जो हमारा मूल होगा जिसे हम एक्स कहेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए। चूंकि यहाँ प्लस और माइनस भी है तो इसे हम दो बार लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, या दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस बी यहाँ प्लस यहाँ लिख ले तो लिखेंगे माइनस रूट डी बाई टू ए, ये हमारा मूल कहलाएगा। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वह 4x² जोड़ 3x जोड़ 5 बराबर 0 और हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a का जो मान है वो 4 है, b का जो मान है वो 3 है और c का जो मान है वो 5 है। तो अब हम d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहां b का जो मान है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 है तो 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 5 है तो 5 लिखेंगे। अब चूंकि 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना 3 अर्थात 9, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस है तो माइनस और ये 4 चौका 16, 16 पंचे 80 अर्थात हमें मिल गया 9 माइनस 80। अब जब 9 में से 80 को घटा लेंगे तो माइनस में 71 हो गया। अब यहां जो हमारा d का जो मान हो गया वो 0 से छोटा हो गया, d का जो मान हो गया वो 0 से छोटा हो गया क्योंकि माइनस में 71 आ गया, अगर यह प्लस में होता तो अभी 0 से बड़ा होता लेकिन यहां माइनस में आ गया 71, इसका मतलब है कि d का जो मान है वो 0 से छोटा हो गया। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि यहां जो है इसका जो मूल होगा वह वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, यह हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है 3x² जोड़ 2√5x माइनस 5, अर्थात a का जो मान है वो 3 है, b का जो मान है वो 2√5 है और c का जो मान है वो माइनस में 5 है। तो d बराबर, सबसे पहले हम d निकालेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चूंकि b का मान यहां से 2√5 है तो 2√5 का स्क्वायर कर लेंगे चूंकि यहां स्क्वायर है, माइनस 4 गुना a का मान 3 है और c का मान माइनस 5 है तो यहां हम c का मान माइनस 5 रख दिए। अब इसे हम हल करते हैं,
तो 2√5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि 2√5 गुना 2√5, स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि 2√5 गुना 2√5, माइनस और माइनस प्लस, 4 × 12 = 60 हो जाएगा। अब चूंकि यहां गुना है तो इसे गुना कर लेते हैं, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुना √5 से √5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस 60। अब 5 × 20 और जोड़ 60, 20 और 60 ये हो जाएगा 80। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां जो d का मान आ गया वह 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात इसका हल होगा, हमें इसको इसे हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो x बराबर होता है -b + √d/2a, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब यहां x बराबर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहां है b तो b का जो मान है वो 2√5 है, यहां लिखेंगे -2√5। फिर यहां प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस, तो यहां प्लस और माइनस का चिन्ह देंगे, फिर रूट है तो यहां रूट लगा देंगे, और d है तो d का जो मान है वो आया 80, तो d के जगह हम 80 लिखेंगे बटा 2a, तो यहां 2 है तो 2 लिखेंगे, और a के जगह लिखेंगे 3, तो यहां हम 3 लिखेंगे। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो ये -2√5 जो 80 है तो 80 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 5, क्योंकि 4 × 16 = 80 होता है, बटा 2 × 3, 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। अब -2√5 प्लस माइनस, यहां 4 का जोड़ा लग गया तो जोड़ा लग गया, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, बच गया √5, क्योंकि 5 का जोड़ा है नहीं, बटा 6। अब यहां प्लस माइनस, जिस तरह हम लोग यहां फॉर्मूला को 2 बार लिखे हैं उसी तरह इसको 2 बार लिखेंगे, तो x बराबर -2√5 + 4√5/6। एक बार प्लस लिखिए तो अब हम लोग एक बार माइनस लिखेंगे, तो -2√5 - 4√5/6। अब माइनस में 2√5 और प्लस में 4, तो 4 से 2 घट गया, तो 2√5/6, 2 × 6 अर्थात √5/3, एक आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा x बराबर -2 और -4, तो -6√5/6, 6 से 6 कट गया, तो -√5, ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर हो गया √5/3 और दूसरा हो गया माइनस में √5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है x²-16x+64=0, तो यहां भी हम सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a का मान यहां सिर्फ x स्क्वायर है, अर्थात x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, अर्थात a का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। अब b का मान -16, क्योंकि x का गुणांक माइनस, हम चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस जरूर लिखेंगे, और यहाँ c का मान 64 है तो यहाँ 64, क्योंकि प्लस है तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा होता है, माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह जरूर लिखेंगे। तो अब यहाँ हम d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है b²-4ac, d बराबर होता है b²-4ac, तो b का मान -16 है तो -16² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुना a का मान 1 है तो 1, और c का मान 64 है तो 64 लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं, तो माइनस का जो स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 16 को हो जाएगा 256 माइनस, और 4 × 4 और 4 से 64 में गुना कर लेते हैं, 4 × 16 = 6, वहां से 1, 6 × 24 और 1 = 25, अर्थात यह भी 256 हो गया। 256 से जब हम 256 को घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 0। अब हमें d का मान मिल गया 0, इसका मतलब ये होता है कि d जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मूल जो है वास्तविक और समान होगा। तो अब हम यहां से x का मान निकालेंगे, अर्थात मूल निकालेंगे, तो मूल का जो फॉर्मूला होता है x = -b+-√d/2a होता है, तो माइनस, तो माइनस b का मान, b का जो मान है माइनस 16, तो यहाँ माइनस 16 लिखेंगे,
और या प्लस माइनस रूट डी, डी का मान जीरो बटा दो गुने ए, ए का मान एक है तो एक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16, प्लस माइनस जीरो, जीरो का वर्गमूल जीरो बटा दो एक दो। तो अब हम इसे क्या करते हैं, दो बार लिख लेंगे, एक्स बराबर 16 जोड़ 1 16 जोड़ 0 बटा एक, और दूसरा 16 माइनस 0 बटा एक, चूंकि प्लस और माइनस तो प्लस पर लिख लिया और माइनस को नीचे, अब 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही रह जाएगा, और बटा सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, तो 16 बटा 2 अर्थात ये 8 हो गया, और यह भी 16 बटा 2 यह भी 8 हो गया, अर्थात यहाँ जो हमें इस समीकरण का जो मूल मिल गया वो भी 8 और 8 मिला। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 ए स्क्वायर है, x का जो गुणांक है वो 8 ए बी है, और यहाँ c के जगह 4 बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं a बराबर 3 ए स्क्वायर, b बराबर 8 ए बी हो जाएगा, और c बराबर 4 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम d का मान निकालेंगे अर्थात विभेचक निकालेंगे, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब बी का मान यहां से लिखेंगे 8 ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए, ए का मान 3 ए स्क्वायर गुना सी का मान 4 बी स्क्वायर है, तो हम यहां 4 बी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ए है तो ए स्क्वायर और बी है तो बी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस ये 4 × 12 = 48 ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखेंगे। अब 64 से 48 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 14 से 8 गया 6, 5 से 4 गया 1, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। इसे हमें डी का मान मिल गया। अब जब डी का मान मिल गया तो अब हमें इसका मूल निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2j, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बराबर का चिन्ह माइनस तो माइनस, बी बी का मान 8 ए बी है तो यहाँ 8 ए बी लिखेंगे, और ये प्लस माइनस रूट डी, डी के जगह लिखेंगे यहाँ 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिए बटा 2 गुना ए, ए का जो मान है 3 ए स्क्वायर है तो यहाँ हम 3 ए स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, माइनस 8 ए बी प्लस माइनस 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 16 होता है और ए स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर से रूट खत्म तो ए होगा, फिर यहाँ बी स्क्वायर का रूट है स्क्वायर से रूट खत्म तो बी हो जाएगा, बटा 2 दिया है 6 ए स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ प्लस माइनस है जिसमें हम दो बार लिखेंगे, अर्थात एक्स बराबर माइनस 8 ए बी प्लस 4 ए बी बटा 6 ए स्क्वायर। अब माइनस में 8 और प्लस में 4 तो माइनस में 4 ए बी अब बटा 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब एक ए से एक कट गया, 2 × 4 = 2 = 6 अर्थात माइनस 2 बी बटा 3 ए, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमें दूसरा आंसर चाहिए, तो x बराबर माइनस 8 ए बी माइनस 8 ए बी माइनस, चूंकि प्लस तो हम पहले यहां लिख चुके हैं, अब 4 ए बी तो 4 ए बी अब बटा 6 ए स्क्वायर तो 6 ए स्क्वायर, अब माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12 ए बी हो जाएगा बटा 6 ए स्क्वायर, अब 6 × 12 और ए से ए कट गया तो माइनस 2 बी बटा ए, एक आंसर हमारा ये हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है 9x2, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, x का गुणांक माइनस 9 ए प्लस बी है, और ये पूरा c है, अर्थात a बराबर 9, b बराबर माइनस 9 ए प्लस बी, और c बराबर 2a² प्लस 5ab प्लस 2b का स्क्वायर। ये हमारा a, b और c का मान है। तो अब हमें चूंकि चाहिए d, चूंकि हमें मूल निकालने के लिए d निकालना पड़ेगा, तो अब d बराबर होता है b² - 4ac, d बराबर होता है b² - 4ac। तो अब b की जगह रखेंगे माइनस 9a प्लस बी,
और पूरा का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, चार है तो चार गुना ए, ए के जगह लिखेंगे नौ और सी के जगह लिखेंगे नौ, दो ए स्क्वायर जोड़ पांच ए बी जोड़ दो बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इसे हल करते हैं, चूंकि यहां माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और नौ का स्क्वायर इक्यासी हो जाएगा। अब यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब माइनस तो माइनस, अब नौ चौका छत्तीस, छत्तीस से हम दो में गुना करेंगे तो छत्तीस गुना ये बहत्तर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बहत्तर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये चार गुने नौ गुने पांच ये हो जाएगा एक सौ, नौ चौका छत्तीस पंचे एक सौ अस्सी, अस्सी ए बी, ये अस्सी ए बी हो गया। फिर अब इसे गुना करेंगे प्लस माइनस, माइनस नौ चौका छत्तीस गुना बहत्तर बी स्क्वायर। अब हमें जब इसे गुना कर लिए तो अब इसे हल करेंगे, इक्यासी से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो इक्यासी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस इक्यासी से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो इक्यासी बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर इक्यासी दुना दो एकम दो आठ दुना सोलह एक सौ बासठ ए बी हो जाएगा और माइनस बहत्तर ए स्क्वायर माइनस एक सौ अस्सी ए बी और ये माइनस बहत्तर बी स्क्वायर। अब हम इसे हल कर लेते हैं तो प्लस में इक्यासी और माइनस में बहत्तर अर्थात नौ ए स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ इक्यासी बी स्क्वायर है और यहाँ माइनस में बहत्तर है तो यह भी हो जाएगा प्लस नौ बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ प्लस में एक सौ बासठ और यहाँ माइनस में एक सौ अस्सी है तो ये हो जाएगा माइनस में अठारह ए बी, माइनस में अठारह ए बी हो जाएगा। अब यहां से हम नौ कॉमन कर लेते हैं चूंकि दो नमा अठारह, इसमें भी नौ है इसमें भी नौ है इसमें भी नौ है, नौ कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दो ए बी हो जाएगा। अब ये नौ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया तो इसे हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये हमें डी का मान मिल गया, जब हमें डी का मान मिल गया तो अब हमें चूंकि मूल निकालना है अर्थात एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हम मान को रखेंगे तो एक्स बराबर माइनस, तो माइनस अब यहां बी का मान, तो बी का मान है माइनस नौ ए प्लस बी, तो माइनस नौ ए प्लस बी, बीच में प्लस माइनस तो यहां हम प्लस माइनस लिखेंगे रूट है तो रूट और डी के जगह लिखेंगे नौ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डी के जगह नौ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा टू ए है तो दो गुना ए का जो मान है वो नौ है तो यहां हम नौ लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो मिलेगा नौ ए प्लस बी, अब प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अब यहां नौ का जो वर्गमूल होगा वो तीन हो जाएगा और यहां स्क्वायर से रूट है तो खत्म हो जाएगा तो मिलेगा ए माइनस बी बटा ये दो नमा अठारह हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसे, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है इसे हम दो बार लिखेंगे तो एक बार एक्स बराबर नौ ए प्लस बी प्लस तीन ए माइनस बी बटा अठारह लिखेंगे और इसे हम हल कर लेते हैं तो नौ ए से तो नौ ए प्लस नौ से बी में तो नौ बी प्लस तीन से ए में तो तीन ए माइनस तीन से बी में तो तीन बी बटा ये हो जाएगा अठारह अर्थात नौ ए और तीन नौ तीन बारह ए हो जाएगा और नौ से तीन गया तो प्लस में छ बी बटा अठारह। हम यहां से छ कॉमन कर लेते हैं तो दो ए प्लस बी बटा अठारह, छ तीन अठारह अर्थात दो ए जोड़ बी बटा तीन, एक आंसर हमारा ये हो गया और दूसरा आंसर चूंकि प्लस वाला यहां लिखे हैं तो माइनस को भी लिखना होगा तो माइनस में यहां नौ ए प्लस बी, यहां प्लस वाला यहां लिखे तो माइनस का चिन्ह देंगे तो माइनस तीन ए माइनस बी
क्योंकि यहाँ 3a-b है और बटा 18, तो यहाँ हम 18 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, 9 से a में तो 9a प्लस 9 से b में तो 9b माइनस 3 से a में तो 3a माइनस माइनस प्लस 3 से b में तो 3b बटा यहाँ 18 है तो हम 18 लिखेंगे। अब यहाँ हल कर लेते हैं, 9 में से 3 को घट जाएगा 6 को a बचेगा प्लस 9 और यहाँ प्लस 3 तो 9 3 12 b हो जाएगा बटा 18। अब 6 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस 2b बटा 18, अब 6 3 18 कट जाएगा तो a प्लस 2b बाई 3, ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात इस क्वेश्चन का जो मूल होगा वो a प्लस 2b बाई 3 और 2a प्लस b बाई 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है x जो 1 बटा x बराबर 3। सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लाना। तो सबसे पहले हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए यहां हम x के बटा में 1 मान लेते हैं, हल x के बटा में 1 मान लिए और 1 और x का जो LCM करेंगे वो x हो जाएगा। अब 1 से हम x में भाग देंगे तो x मिलेगा और x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस दो प्लस, अब फिर x से x में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर में 3। अब हम इसे क्रॉस गुणा मान करते हैं क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में एक छिपा होता है, इसलिए यहाँ हम 3 के बटा में 1 लिख सकते हैं। अब जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जोड़ 1 बराबर 1 से 3 में गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो अब हम यहाँ a बराबर 1, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, b का मान माइनस 3 और c का जो मान है वो 1 है। तो हम जानते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का जो मान माइनस 3 तो यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, a का मान 1 गुना c का मान 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9 माइनस 4 एकम 4 और 9 से 4 घटाएंगे तो ये हमारा 5, अर्थात d का जो मान मिल गया हमें 5 मिल गया। अब चूंकि हम d का मान निकाल लिए तो अब हमें मूल निकालना है, तो मूल का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू वो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 ये होता है। अब हम इसमें मान रखेंगे तो माइनस बी, तो बी का मान है बी का मान माइनस 3 तो यहाँ हम माइनस 3, अब ये प्लस माइनस रूट डी, डी का जो मान आया वो 5 है, 5 लिखेंगे बटा 2 गुना ए, ए का जो मान है वो 1 है तो 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा 2 एकम 2, अर्थात हमारा जो x का मान होगा वो 3 जो रूट 5 बटा 2 होगा और दूसरा जो मान होगा वो 3 माइनस रूट 5 बटा 2 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ x माइनस 15 बटा 4x जोड़ 1 है। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे उसके बाद फिर हम हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ x के बटा में 1 मान लेते हैं और यहाँ भी 1 के बटा में हम 1 मान लेते हैं। अब 1 और 4x का जो LCM होगा वो 4x होगा। अब 1 4x और 1 का LCM 4x हो गया, तब जब 1 से 4x में भाग देंगे तो हमें 4x ही मिलेगा। अब 4x से x में गुणा करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस फिर 4 1 से भाग देंगे 4 स्टेप तक कट के 1 हो जाएगा और 1 से 15 में गुणा करेंगे तो 15 प्लस, अब 1 से भाग देंगे 4 x में तो 4 x और 4 x से 1 में गुणा करेंगे तो 4 x बराबर हो जाएगा 0। अब हम इसे क्रॉस गुणा करेंगे, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो रह जाएगा 4 x स्क्वायर माइनस 15 जोड़ 4 x बराबर 4 x से 0 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 0 होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 होता है। अब हम इसे द्विघात समीकरण के रूप में सजा लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 4x स्क्वायर, इसके बगल में 4x माइनस 15 बराबर 0, ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया।
तो अब हमें चूंकि इसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम d का मान निकालेंगे। तो d के मान निकालने के लिए सबसे पहले a b c का मान लिखेंगे। तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 हो जाएगा, b बराबर भी 4 हो जाएगा, और c बराबर माइनस 15 हो जाएगा। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह 4 गुना c की जगह माइनस 15 लिखेंगे, चूंकि यहां माइनस 15 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुने 4 गुने 4, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 240। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 256। d का मान हमें मिल गया 256। जब हम d का मान निकालेंगे तब इसका मूल निकालेंगे, तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस तो माइनस, b के जगह लिखेंगे 4, प्लस माइनस रूट डी, डी के जगह 256 बटा 2 गुने a, a के जगह लिखेंगे 4। अब इसे हम हल कर लेते हैं, तो माइनस 4 प्लस माइनस 256 का हो जाएगा 16, और ये 4 दूना हो जाएगा 8। अब चूंकि हम प्लस और माइनस है तो इसे हम क्या करते हैं, दो बार लिखेंगे। तो एक बार x बराबर माइनस 4 प्लस 16 बटा 8, तो माइनस 4 और प्लस 16 तो हो जाएगा ये 12 बटा 8, काट देंगे तो हो जाएगा 3/2। चूंकि 4 3 12, 4 2 8, तो x का मान मिल गया 3/2। अब दूसरा x बराबर माइनस 4 माइनस 16/8, तो माइनस 20/8 हो जाएगा, इसे भी काटेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।